पीएम मोदी ने सौंपे 70,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, मिलकर विकसित भारत बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है, भारत दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी बनने वाला है। G20 ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। कहा कि 50% गैर जीवाश्म स्थापित क्षमता हासिल करने की भारत की योजना। पीएम मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। कहा कि 9 साल में 190 मिलियन से अधिक परिवारों को एलपीजी से जोड़ा। मणिपुर के बाद बिहार के बेगूसराय में भी इंसानियत शर्मसार। लोगों ने बंद कमरे में निर्वस्त्र कर नाबालिग लड़की और म्यूजिक टीचर को बेरहमी से पीटा। लोगों ने एक अधेड़ म्यूजिक टीचर को एक नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। उसके बाद दोनों की पिटाई कर उनका वीडियो भी बनाया। पुलिस ने लड़की से साथ पकड़े जाने वाले अधेड़ व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पीटने वाले 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। पकड़ने के लिए खास टीम भी बनाई गई। पुलिस ने मामले में रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इससे एसटी एक्ट भी लगाया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लड़की की पिटाई की घटना को शर्मनाक बताया। कहा कि सरकार को बिना देर किए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मणिपुर दरिंदगी के आरोपियों को 11 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। गुरुवार को हुई थी गिरफ्तारी। मणिपुर घटना पर शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा राज्यसभा सोमवार तक स्थगित। मणिपुर हिंसा को लेकर कपिल सिब्बल का ट्वीट। लिखा कि वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करो, बेटी बचाओ। मणिपुर की घटना के बाद बंगाल पर सियासत। सांसद लॉकेट चटर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आंसू छलके। मणिपुर पर चर्चा हो रही है लेकिन बंगाल की हालत भी खराब है। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि पांचला में बीजेपी महिला कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़ हुई। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार बोले कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को नग्न घुमाया गया। क्या ये मणिपुर घटना से कम दुखद है? बीजेपी महिला वर्कर से बदसलूकी पर बंगाल डीजीपी का बयान। 14 जुलाई को ही FIR। जांच में अब तक ऐसी बात नहीं आई सामने। बंगाल डीजीपी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले पुलिस और प्रशासन इसे दबाएंगे ही। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर राष्ट्रीय महिला आयोग से सख्त एक टीम की बंगाल जाएगी। कांग्रेस पर स्मृति ईरानी का बड़ा हमला। कहा कि बंगाल की घटना पर कांग्रेस चुप। कांग्रेस सच सुनना नहीं चाहती। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मंत्री राजेंद्र गुड़ा को पद से बर्खास्त किया। गुड़ा ने विधानसभा में मणिपुर के मामले पर बयान दिया था। राजेंद्र गुड़ा ने मणिपुर की घटना की तुलना राजस्थान में महिलाओं पर हुए अत्याचार से किया था। गहलोत सरकार को मणिपुर की जगह राजस्थान पर ध्यान देने की नसीहत दी। पद से बर्खास्त किए जाने के बाद बोले राजेंद्र सिंह गुड़ा, सच बोलने की मिली सजा। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त करने के मामले में बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गहलोत सरकार गुड़ा के सच और साहस को स्वीकार नहीं कर पाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का गहलोत सरकार पर तंज। बोले कि सरकार में मंत्री भी सुरक्षित नहीं। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह बोले कि सच बोलने पर कार्रवाई से साफ संकेत है कि गहलोत सरकार जा रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर हमला। कहा कि गहलोत ने राजेंद्र गुड़ा को प्रदेश में महिलाओं की दुर्दशा के बारे में बोलने पर हटाया। राजस्थान में मंत्री की बर्खास्तगी पर स्मृति का कांग्रेस पर अटैक। कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कर बात की है तो अनौपचारिक रूप से बर्खास्त कर दिया है। NCP विधायक अमोल मिटकरी ने ट्वीट करके बड़ा दावा लिखा किया, अजीत पवार जल्द ही सीएम पद की शपथ लेंगे। अमोल मिटकरी ने बाद में अपने बयान पर सफाई दी। कहा कि 2024 में एनसीपी के सबसे ज्यादा विधायक चुनकर आएंगे और अजीत पवार ही बनेंगे सीएम। वाराणसी पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत। बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन भी किए। महाराष्ट्र के यवतमाल में तेज बारिश के बाद बिगड़े हालात। आबादी वाले इलाकों में भरा पानी, लोगों को हो रही है दिक्कत। यवतमाल में लोगों के घरों में अंदर तक पानी भरा। बेडरूम से लेकर किचन तक जलभराव। सड़क पर दिखा घरों का सामान। महाराष्ट्र में रायगढ़ के इराशलवाड़ी गांव में घायलों की तलाश में जुटी NDRF की टीम। लैंडस्लाइड के बाद मलबे से निकाले जा चुके हैं 22 शव। मौसम विभाग ने पालघर के लिए आज भारी बारिश के चेतावनी दी है। मुंबई और ठाणे रत्नागिरी में भी ऑरेंज अलर्ट। मुंबई के अलावा भारी बारिश का अलर्ट देखते हुए रायगढ़ में भी प्रशासन ने सभी स्कूलों को छुट्टी दी। रायगढ़ के ऑरेंज में अलर्ट। मुंबई के दोपहर के करीब 3 बजे हाईटाइड की चेतावनी। 13 फीट ऊंची लहरें उठेंगी। तेज बारिश की भी आशंका। लेह में बादल फटने से हर तरफ तबाही। प्रशासन ने शुरू किया कार्रवाई का ममक। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में NH5 पर लैंडस्लाइड। वांगंतु में सड़क की ट्रैफिक बंद। शिमला के कुमार सेन के पास अचानक आई बाढ़। निचले इलाकों में पानी भरा। दादर नगर हवेली के डोक मंडी में पानी में बह गई कार। ड्रेनेज की फंसी कार। सामान लेते बाजार में पिता पुत्र भी पानी में बह गए। भारी बारिश से उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पर भाई आफत। मंदिर समिति ने पानी निकाला। उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे के चौड़ा खड्ड में बादल फटा। इलाके में मची तबाही। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसे लोगों को अभी भी राहत नहीं। बड़ी संख्या में सिग्नेचर ब्रिज के पास राहत शिविर में बैठे हैं लोग। दिल्ली पंजाब में बाढ़ में आम आदमी पार्टी के आरोपों पर हरियाणा के सीएम के OSD का बयान। कहा कि ये एक प्राकृतिक आपदा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ी वारदात। बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर और उसके दोनों बॉडीगार्ड की हत्या की।
रोहतक के घिलौर गांव में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ग्रामीणों ने लगाया ताला, नए स्कूल भवन की मांग। 15 साल बाद चमकेगा रामपुरी चाकू का कारोबार, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया लाइसेंस। श्रीनगर के पंथा चौक कैंप में भी अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ, 1 जुलाई से शुरू हुई थी यात्रा।